भैंसे पे आया है मुझे लेने यमराज, लेकिन इससे कह दो कि मेरे पास अभी मरने की फुर्सत नहीं है क्योंकि मेरा राजा अभी सुरक्षित पहुंचा नहीं है। ये डायलॉग है बाजी प्रभु देशपांडे का फिल्म हर हर महादेव। बाजी प्रभु देशपांडे वो मराठा योद्धा जो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जान की बाजी दांव पर लगा देते हैं। 300 सैनिक है उनके पास, लेकिन अपने राजा के लिए, अपने शिवाजी के लिए 15,000 से भिड़ जाते हैं और फतह हासिल करते हैं। फिल्म आई है हर हर महादेव। फिल्म में शरद केलकर बाजी प्रभु देशपांडे के किरदार में हैं और सुबोध भावे छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में। फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिजीत देशपांडे ने, जिन्होंने करीब 10 साल लगाए हैं इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने में। अब ये फिल्म है कैसी? सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इस फिल्म के शोज इतने कम क्यों? मैं इस फिल्म को देखना चाह रहा था और शोज ही नहीं थे, बहुत कम शोज थे। और खैर, जैसे तैसे मुझे इस फिल्म का शो मिला और मैंने वो शो देखा, क्योंकि शरद केलकर से मैंने वादा भी किया था जब उनका इंटरव्यू किया था कि इस फिल्म को देखूंगा, इसको रिव्यू करूंगा। और इस फिल्म को मैंने देखा, थोड़ी देरी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि फिल्म के शोज ही नहीं है। और इसे देखकर मेरा सवाल यह है कि हम किस बात का इंतजार करते हैं? आखिर इस फिल्म के शोज इतने कम क्यों रखे गए जबकि ये एक बहुत शानदार फिल्म है? देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता है ना, तो उसके शोज बढ़ते हैं। पिछले दिनों कई फिल्मों के साथ ऐसा हुआ, साउथ की कांतारा ले लीजिए, कश्मीर फाइल्स ले लीजिए, बहुत सी फिल्में जब लोगों को पसंद आई तो शोज बढ़ाए गए। उम्मीद करता हूं इस फिल्म के साथ भी ऐसा हो। अब फिल्म है कैसी? तो एक वर्ड में कहूं तो फिल्म शानदार है। मराठा इतिहास के इस महान योद्धा की कहानी को फिल्म में शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म में ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं जो सिर्फ आपके रोंगटे खड़े नहीं करते, आपके रोंगटे रॉकेट बन जाते हैं। एक डायलॉग में शिवाजी बाजी देशपांडे से कहते हैं कि आप इस कहानी का हिस्सा नहीं है, आप ही ये कहानी है जो एक दिन घर घर में सुनाई जाएगी। और आज ये कहानी सुनाई जा रही है, सिनेमाघरों में सुनाई जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को ये कहानी देखनी चाहिए जिसे इतिहास में दिलचस्पी है, जिसे मराठा इतिहास में दिलचस्पी है, जो इतिहास के योद्धाओं को जानना चाहता है, उनका जो शौर्य है उसे देखना चाहता है। फिल्म में एक और डायलॉग है जहां बाजी देशपांडे कहते हैं कि ये दुनिया भले समझदारों ने बनाई है, लेकिन इसे बचाते हैं पागल। और मैं भी एक ऐसा ही पागल हूं, और हर मराठा योद्धा पागल होता है। और फिर वो पागलों की तरह शिवाजी के लिए रणभूमि में उतर जाते हैं। एक जगह शिवाजी बाजी से कहते हैं कि जब तक किसी के दुश्मन नहीं होते ना, तब तक उसकी कोई कमाई नहीं होती। तुमने जिंदगी में सिर्फ दोस्त कमाए हैं, एक अदद दुश्मन नहीं कमाया बाजी। देखिए, फिल्म में इतिहास किस तरह से दिखाया गया है वो आप फिल्म देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जिस तरह की अदाकारी शरद केलकर ने की है वो कमाल है। उनकी आंखें, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी गजब की है कि आपको वो शरद केलकर लगते ही नहीं है, आपको वो बाजी देशपांडे लगते हैं। शरद केलकर ने इस किरदार को जिया है, इस तरह से उन्होंने मूछें रखी हैं, हालांकि असली मूछें नहीं है, नकली हैं, लेकिन कमाल की लगती है। सुबोध भावे ने भी अपने किरदार को दमदार तरीके से निभाया है, बहुत दमदार तरीके से निभाया है, लेकिन कहीं ना कहीं शरद केलकर मुझे उन पर भारी पड़ते दिखे। देखिए, मेरे लिए इस फिल्म को देखने की सबसे बड़ी वजह शरद केलकर रहे। शरद केलकर हिंदी बेल्ट में बहुत पॉपुलर हैं, बहुत कमाल की फिल्में उन्होंने की हैं, और इसीलिए उनकी जब कोई फिल्म आती है तो उम्मीद अलग तरह की होती है। लेकिन ये फिल्म जब मैंने देखी तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म मैंने सिर्फ शरद केलकर के लिए भले देखी थी, लेकिन इस फिल्म ने मुझे और भी बहुत कुछ दिया। ये फिल्म कोई संजय लीला भंसाली की तरह ग्रैंड फिल्म नहीं है कि उसे बहुत ग्रैंड सेट्स पे शूट किया गया हो, बहुत उसमें पैसा लगाया गया हो जो देखकर आपको समझ में आएगा, लेकिन ये फिल्म आपके दिल को छूती है। ये फिल्म आपको कुछ देकर जाती है। इस फिल्म के जरिए आप इतिहास के उस योद्धा की जो हिम्मत है ना, उसे महसूस करते हैं, उसे सलाम करते हैं, उसे दाद देते हैं। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जो वॉर के सीन्स हैं, एक सीन आता है जहां एक तरफ 300 योद्धा होते हैं बाजी देशपांडे के और एक तरफ 15,000 जो हैं वो दुश्मन होते हैं, उस सीन को जिस तरह से दिखाया है आप हैरान रह जाते हैं। बाकी जिस तरह से शरद केलकर इसमें फाइट करते हैं, बहुत कन्विंसिंग लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो इंतज़ार मत कीजिए, अगर इस फिल्म का आपके आसपास एक भी शो लगा है तो ज़रूर देख करके आइए, क्योंकि अच्छा सिनेमा
किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए, अच्छे सिनेमा को हमेशा प्रमोट करना चाहिए और इस फिल्म को तो ज़रूर देखा जाना चाहिए। और वर्ड ऑफ माउथ से मुझे उम्मीद है फिल्म खूब चलेगी और जैसा कि सुनने में भी आ रहा है कि शुरुआती कलेक्शन जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार्स। 4 इसलिए क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा कायम रहनी चाहिए और शरद केलकर से इसके बाद उम्मीदें और ज़्यादा बनती हैं।